इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मंजूर पूरा को इंसाफ दो, तानाशाही नहीं चलेगी, वी फॉर जस्टिस, वी तानाशाही नहीं चलेगी, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मंजूर पूरा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मंजूर पूरा को इंसाफ दो, तानाशाही नहीं चलेगी, वी फॉर जस्टिस। अरे इधर मुड़ जा, इधर इधर पंप निकाले उधर को, इधर को जैसे आपको पता है हल्द्वानी में बलबोरपुर में 4000 घर जो तोड़े जा रहे हैं, जिनका अतिक्रमण करा जा रहा है, जो उसके खिलाफ उन भाईपुर का सारा युवा इस चीज के लिए लेके इकट्ठा हुआ है कि 50,000 लोगों को बेघर करा जा रहा है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आज की हमारी एजुकेशन में शर्म है कि कैसे लोग हंस रहे हैं, बुला रहे थे, लोग पार्टी कर रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, घर टूट रहे हैं। भाई हर बारी धर्मवादी होना जरूरी नहीं होता, ये 50,000 लोगों का सवाल है। वो जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका स्कूल का क्या होगा, उनके घर का क्या होगा, ये बड़ा तगड़ा मुद्दा है, ये सरकार को सोचना चाहिए। हमें ये लगता है कि इन्होंने भाजपा वालों ने रीति रिवाज बना लिया है इस चीज़ का। ये अफसोस वाली बात है कि हर किसी का धंधा करना, बेघर करना इनकी रीति रिवाज बन चुका है भाजपा वालों की। अब उन्हें बेघर किया जा रहा है, उनके लिए कुछ चीज़ को सरकार सोच रही, घर परिवार बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए कहाँ जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, उनकी जीवन कैसे चलेगा, इस बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। एक नोटिस दे दिया और एक हफ्ते का समय दे दिया खाली करने के लिए। मतलब भाजपा वालों को बिल्कुल ही शर्म आनी बंद हो गई है, ये हमारी तो समझ के बाहर है। इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं और वो रोज प्रकट किया हमने इस मामले को लेकर, और जरूरत पड़ी तो यूथ कांग्रेस सुमित्र भाई के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन को हर प्रदेश के हर एक गांव तक पहुंचाएगा और जहां तक होगी हम आवाज़ उठाएंगे बनपुरा के लिए। ये पार्टी वाला मुद्दा नहीं है, ये एक इंसानियत का मुद्दा है। हम आज यहाँ इंसानियत के नाम पे जमा हुए हैं, हम इसे पार्टीवादी या कोई पार्टी के मुद्दा नहीं बनाना चाह रहे, पर हमें इस चीज़ के लिए मजबूर ना कराया जाए।